टू एस्ट्रोलॉजी स्पेशल, और क्योंकि आज बात हो रही है फ्यूचर की, तो ये कैसे हो सकता है कि एक हॉट इश्यू है पनामा लीक्स, उसके बारे में बात ना हो? क्या नवाज शरीफ की जान छूट सकेगी पनामा लीक से, या वो एक जो इमरान खान साहब बार बार पीटते रहेंगे पनामा, हम धरना देंगे, हम तलाशी देंगे, पजामा हो जाएगा। सर क्या इस सिचुएशन से बाहर आता है कि ये जो ना जो कोर्ट में होते हैं ना, जो कोर्ट में होते हैं केस, उनको हम मजीद डिस्कस नहीं करना चाहिए जी। लेकिन बहरहाल है कि मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें से बड़ी खुशरूबी के साथ आराम से ऐसे निकल जाएंगे जैसे मक्खन में से बाल निकाल देंगे। अच्छा सर, इंटरनेशनली जो हमारे रिलेशन हैं, हमारे बड़े ही अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इवन चाइना के साथ, तो 2017 जो है वो क्या प्रेडिक्ट करता है कि माशाल्लाह मजीद मजबूत होंगे, कुछ सरमायाकारी होगी पाकिस्तान में, या क्या कोई अच्छी चेंज आएगी? पॉजिटिव देखो, इससे बड़ी और सबसे बड़ी चीज ये है कि चाइना कॉरिडोर जो है, सीपैक है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा है ना भाई, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा, एक पाकिस्तान को मिल रहा है ना भी, क्या बोला, तरक्की का एक सिलसिला मिल रहा है। देखिए, रशिया ने खुद ऑफर किया है शामिल, बिल्कुल चाइना इसमें शामिल हो रहा है, पाकिस्तान इसमें शामिल है, ईरान भी शामिल, इवन इंडिया को कहा जा रहा है, और इंडिया को, और कोई बईद नहीं कि इंडिया भी शामिल इसमें हो जाए, क्योंकि आगे मैंने बताया ना उसके ताल्लुकात इंडिया के हमारे साथ अच्छे हो जाएंगे, और जब तक अगर नवाज शरीफ रहा, इसमें हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात है, देखो मसाए के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे अच्छे रहने चाहिए, लेकिन इज्जत के बराबरी की बना पर, ये नहीं कि हम नीचे लगते हैं, लेकिन इसका अच्छा खासा इनाम हम इज्जत की बना पर, बाइज्जत तौर पर अगर ताल्लुकात रख के सारा कुछ, इससे उसका होगा, इसकी वजह से सारा ये सिला, कुछ लोगों को तकलीफ है, याद है अगर चाइना अपना ईरान के साथ हमारे गैस का मुआहदा किया था, तो अब जनाब इमरान उसके साथ मिल गया, पैसे उसने पेमेंट कर दिए, वो भी गैस का भी सस्पेंशन होने वाला है। सबसे बड़ी बात, गवादर जो दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह, सबसे बड़ी पोर्ट, इतनी डीप है वो, दुनिया में कहीं ऐसी डीप नहीं है, तो सारा पाकिस्तान के लिए, यहाँ जो लोग जहाँ से जहाज गुजरे के यहाँ से तजारत होगी, तो पाकिस्तान में तो बहुत बड़ा ज़र मुबादला आएगा, बहुत लोग यहाँ, बड़े बड़े लोग यहाँ के नौकरियाँ करने आएंगे। पाकिस्तान के बारे में जो लोग गलत नेगेटिव से पेश करते हैं ना, वो गलत पेश करते हैं, इसकी वजह से हमारा ये कि अमेरिका के साथ भी तल्लुकात हमारे बीच होते जा रहे हैं, जापान के साथ, फ्रांस के साथ, और इसके बाकी दूसरे खास तौर पर ये जो रशिया है, तलकत है सो है, तो ये सारे हमारे बैन अवी तलकत बेहतर हो जाएंगे। अब रहा प्रोपेगंडा, अब देखिए चाय में सिर्फ ये वो जो है ना, वो बाल उठ रहा है, बाल उठ और उसमें जनाब जल रही है, और कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी बात होती है, लेकिन कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसमें अफरा तफरी नहीं, जिसमें ये लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यास ना हो, और जब दहशत गर्दी भी होती रहती है, देखिए जहाज भी गिरते हैं, अगर हमारा जहाज कहीं खुदा ना खास किसी वजह से रह जाता है, अल्लाह की मर्जी भी होती है, उसके बजाय देखो बाहर इंडोनेशिया में और कहीं जो और दूसरों में जहाज गिरे हैं, तो हमें इस बारे में सब्र करना चाहिए, और उसके बाद देखना चाहिए, उसमें उसकी इन डिस्काइज अल्लाह ताला उसमें बेहतरी करेगा कोई, बिल्कुल, इस लिहाज से बैन अवी तल्लुकात भी हमारे को बेहतर होते हैं। बाकी क्योंकि जहाज की बात नहीं थी, तो 2016 का मिड से लेकर टिल एंड कुछ इस तरह की क्लैमिटीज हुई, उसमें सुसाइडल अटैक्स भी हुए, प्लेन क्रैश भी हुआ, तो 2017 जो है वो क्या प्रेडिक्ट करता है? देखिए 2000 आप हर 16 को ले लें, 15 को ले लें, उसमें वो बच्चों का अटैक, एंड देन फिर हमारे दीदी साहब की, एंड देन ऑल वो साहब भी, तो ये जो एंड रहता है ये थोड़ा सा हमारे लिए एक ट्रैजिक रहता है, ट्रैजिक और एक लॉस की फीलिंग रहता है, बिल्कुल, एंड आई थिंक ये हमें पाकिस्तानियों को थोड़ा सा, जो हम बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म में पड़ गए, ये अल्लाह की तरफ से एक झटका होता है, और ये एक वेकअप कॉल होती है कि दिस वन शुड नॉट रन आउट, एग्जैक्टली, तो आई थिंक हमें इससे सीखना चाहिए। अच्छा सर, एक सोचा जाता है कि हमें इस साल इस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या हमें शेयर्स खरीदने चाहिए, तो 2017 में जो लोग सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, वो किस चीज में इन्वेस्ट करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक अर्ज कर दूं, खुशी से बात बड़ी कर दूं मट्टू साहब की, ईरान के हवाले से मुल्क जो हालात रहेंगे ईरान के हवाले से, क्योंकि इस पर मैंने गहरी थोड़ा सोचा है, देखा है, मैंने लिखा है, क्योंकि जैसे ट्रंप साहब आए हैं अमेरिका में, वो हाइपर है, इमोशनल है, बंदे अच्छे रहेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, एटमी ताकतें हैं, कोई छोटा काम नहीं है, इक्का दुक्का वाकया थलके फुलके मुल्कों में होते रहेंगे बॉर्डर्स पे, लेफ्ट राइट में, मगर ये बटू साहब ने फरमाया कि तल्लुकात अच्छे बनाना मजबूरी होगी लेफ्ट राइट लोगों की, जैसे इंडिया है, ईरान है, अफगानिस्तान है, और अमेरिका इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो ट्रंप आएगा, देखिए उनकी एक स्ट्रेटजी चलती है, उसके बाद वो
0. समथिंग होती है सदर का कुछ बाद में मेरी वहाँ स्टैब्लिश सारे अदारे सारे मामला जिम्मेदार होते हैं। बात यह है कि वो हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह नहीं होगा, हालात उनको अच्छे रखना उनकी मजबूरी भी होगी जी हाँ। ठीक है, हालात बेहतर रहेंगे। जहाँ तक तलक आता है आपने फरमाया कि इन्वेस्टमेंट किस पे होनी चाहिए, तो प्रॉपर्टी जम करेगी। अच्छा, वंस अपॉन अ टाइम एक बहुत ज्यादा बूम था प्रॉपर्टी में और हर बंदा जो है वो इसी बिजनेस की तरफ भाग रहा था कि जी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, और फिर उतनी ही तेजी से एक स्लम भी आया प्रॉपर्टी के अंदर। वो आपको बताया इस्लाम इसलिए आया ना कि वहाँ टैक्स लग गए और टैक्स देते नहीं थे, टैक्स नहीं देते थे। सही बात, असल में ये एक बहुत बड़ा माफिया था, उनकी कोशिश थी कि हम ले लें किससे दें कुछ ना। देखिए, इस मुल्क में एक अदारा है, मुल्क है, स्टेट है, गवर्नमेंट है, जिम्मेदारियाँ हैं, आप कमाते हैं, गवर्नमेंट का भी कोई हक है। तो साहब डार साहब ने बी के जो भी मिनिस्टर हैं, जो भी उन्होंने कुछ किया, वजीर खजाना बुरा नहीं किया, मगर मैं समझता हूँ कि इसकी इस्लाहत हो रही है। अच्छा, 2017 में कुछ और बेहतरी लाएंगी गवर्नमेंट इसके लिए जी। क्योंकि मेरी बात सुने, गोल्ड मैं समझता हूँ नीचे जाएगा और जो प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी। अच्छा, लोगों को मैं समझता हूँ गोल्ड में काफी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, प्रॉपर्टी में जो बंदा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसमें कामयाब रहेगा। बिल्कुल। और 2017 कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स और ये प्रॉपर्टी के वाले इनका ईयर होगा, आइडियल टाइम होगा। बिल्कुल। अच्छा, कारोबार के हवाले से बात हो रही थी जी, कारोबार में बंदिश के लिए भी बड़े तावीज भी होते हैं। हाँ, बिल्कुल, चीजें भी होती जी, मलंगनी जी, तो उसके लिए मलंगनी थी। अब आप क्या हमें बताएंगी कि कारोबार की बंदिश को किस तरह दूर किया जा सकता है? देखें, आपने नाम क्या बताया? सायरा। सायरा, सायरा जी, कारोबार की बंदिश के लिए जो है ना, इतना अच्छा हम तवीज लिख के देते हैं। अच्छा, कि वो इतने ज्यादा लोग हमारे पास आते हैं कि लिखने का टाइम ही नहीं मिलता। तो तरीका कार के उसके इस्तेमाल का? ये किया है तरीका कि उसकी मोरे बना दी है। अच्छा, अच्छा। अब खैर से हम खाली कागज लेते हैं, स्टैंप लगाते हैं, तवीज तैयार शॉर्टकट, और उनको हम देते हैं वो तवीज, वो जाके अपने दफ्तर के दरवाजे के ऊपर लगाते हैं। अच्छा, ठीक है, आते जाते उसको जो भी लोग देखेंगे उसका कारोबार चमक पड़ेगा। अच्छा, मेरी बात सुने, ये तो उनके कारोबार के चमकाने का तरीका हो गया। तो आप क्या फी सबीलिल्लाह काम करती हैं या आप भी कोई कारोबार चमका रही हैं? नहीं। क्या हदिया क्या है आपका? जी, हदिया तो बिल्कुल कम था। अच्छा, पहले शुरू में 125 था। अच्छा, फिर 125 हो गया। हाँ, फिर आजकल 1125 रुपए। अच्छा, अच्छा, पर तावीज, एक तावीज का ना, पर तावीज। हाँ, और ता, वो तावीज एक ही लेना पड़ता है या फिर 15-20 दिन के बाद? एक दफा जो आएगा वो इंशाल्लाह हमारे ही गुण गाएगा, क्योंकि ऐसा। अच्छा, तावीज मैंने तो ये भी सुना था, उसका कारोबार चले ना चले बाबा जी का कारोबार चलेगा। अच्छा जी, मरियम जी, तड़ा ना गलत नहीं मिलिया? नहीं, सही लिया। मैंने गुनाह ना? नहीं नहीं, मैंने ये पूछना था कि ये जो आपके हाथ में है ये क्या चीज है? ये नहीं नहीं, ये कार्ड, टैरो कार्ड। इनका क्या फायदा? ये मुझे भी काम सिखाए, हम भी कारोबार चुनकाए। आ जाए आप, उसका आदत तो इसका क्या वो होता है बिजनेस? नहीं, अपने बारे में आप कुछ पूछ लेना, अपना स्टार बताएं, अपनी तारीख पैदाइश बताएं, वो फिर बताएंगी आपको। तारीख पैदाइश चढ़ो पड़े दिसंबर आगे के पीछे 31 दिसंबर। इकतीस दिसंबर। हाँ जी, सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो शादी चल रही है वो कामयाब है कि नहीं होनी, और जो नहीं हुई वो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये तो उल्टा कार्ड आया है, कोशिश आगे पीछे आगे, यानी कि फिर तलाक। वो कोर्ट्स में छुट्टी हो जाएगी, रुक जाएगी, रुक जाएगी। चलें, शुक्र है जी। कितने पैसे बने ये बाद में एटीएम उधर क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से करा दीजिएगा, एडवांस सिस्टम। ये भी क्रेडिट कार्ड ही है? ये टैरो कार्ड और क्रेडिट कार्ड, कार्ड ही कार्ड, कार्ड ही कार्ड। हम ऐसे फीस नहीं बताते ताकि टैक्स हम पर लागू हो। अच्छा जी, आपने मुझे बताया नहीं कि मेरी शादी कामयाब रहेगी या नकाम रहेगी? आपकी रहेगी, तो नहीं लग रहा खास काम नहीं। उसमें खराबी है या मेरे में? एक दूसरे के साथ रह रहे के खराबी, तो क्या करे? अलग अलग रह जाए या अलग अलग कमरे ले लें या अलग अलग शहर कर दे? नहीं, कमरे अलग कर लो, कमरे लग कर ली तो फायदा क्या है मुझे शादी? नहीं, फिर तड़प होगी तो जुड़ जाना।
अच्छा एक और मरियम आप एक देखा चाहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नंबर्स के हिसाब से और दरवाजा भी किस सिमत में रखना है घर का वो भी देखा जाता है, तो ये कोई पॉजिटिव इफेक्ट होता है इसका? देखिए लो, इनको आपको चाइनीज एस्ट्रोलॉजी करते हैं और फेंगशुई के अंदर तो स्पेशली आर्किटेक्ट के पास देखा जाता है कि घर के कौन से हिस्से में जहाँ रोशनी आ रही है, कॉम्बिनेशन बड़ा है, कॉम्बिनेशन है। जैसे कि अगर घर में आपने एक्वेरियम रखा है तो वो लक लाता है, और अगर वॉलेट है तो वो रेड रंग का होता है बिकॉज रेड अट्रैक्ट्स मनी। ओके। और कई दफा जब आई वाज लर्निंग टैरो कार्ड तो एक बंदे का हर बिजनेस फ्लॉप होता था। अच्छा। तो उसने अपने मनी हाउस के अंदर किचन बना लिया। अच्छा। तो वो वहाँ बाहर पेंचोई में ये काफी देखते हैं कि सनलाइट एयर ये काफी कंसीडर होती है। अच्छा यासीन साहब, बात पूछनी है तुमसे। ये जो नंबर होते हैं नंबरों के हिसाब से, मिसाल अगर किसी का मकान का नंबर है वो उसका नंबर आप उस आदमी का नंबर को और मैच करना पड़ता है इस नंबर के बाद। और दूसरा ये किसी ने मिलना है जाके किसी को, अगर किसी आदमी से तो देखना पड़ता है उसका नंबर ये है तो कौन सा दिन उसको सूट करता है। अच्छा। ये मैं निकालता हूँ, अगर कोई बिजनेस डील भी करनी है तो डील कर हाँ, मैं निकाल के देता हूँ, मैं इस माल में मैं निकाल के देता हूँ, बकायदा नंबर निकाल के देता हूँ। उसकी वो कहता है कि उसका नंबर ये है तो मैं देखता हूँ उसके साथ मैच करता हूँ। मैं उसको कहता हूँ आज नहीं संडे की बजाय आप उसको मंडे को जब मिल ले, या मंडे की बजाय आप फ्राइडे को जाके मिल ले। तो ये इसका नंबरों का इसके साथ है, जिस तरह ये कलों की बता रहा है ना, आप पत्थर भी बताते हैं कि कौन सा पहनना चाहिए। अगर गलत पत्थर किसी ने पहन लिया, सुना सुनाया कि उसको वो फायदा हुआ है, तो क्या इसके भी नुकसान आते हैं? नहीं उसमें नहीं, उसमें ये सिर्फ फायदा ही नहीं होगा, बस नुकसान वाली बात को नहीं है। पत्थर का जो अगर पहने ये मामला ये बताऊँ, कुछ कहता है फायदा नहीं होता, मामला ये है कि ये पत्थर जो है ना इंसान के टेम्परामेंट को कंट्रोल करते हैं। अब मिसाल अगर कोई आदमी गुस्सा उसका आता रहता है, ऐसे पत्थर हैं जो उसको बनाए जाए नेगेटिव रेज को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और दूसरा ये है कि आदमी जो है ना, आदमी के अंदर से हर वक्त मर्द हो या औरत हो रेज निकलती रहती है। अच्छा। आपने देखा होगा कि कोई बंदा किसी जगह पे है, कोई किसी जगह पे रहता है, तो अचानक मिलते हैं ना तो अचानक उनको आपसे प्यार हो जाता है, एक दिन सुत कर जाते हैं, तो उसकी वजह रेज हाथ में निकलती रहती है। ये जो पत्थर जो होते हैं ना, बास कहता है जैसे आप गर्मियों में कपड़े नहीं पहनते, गर्मी में आप गर्म क्यों नहीं कपड़े पहनते, सर्दियों गर्मियों में पतले कपड़े पहनेंगे कम, दूसरा सर्दियों में मोटे गर्म कपड़े पहनेंगे। इसी तरह सिमिलर केस विद द स्टोन का मसला भी इसमें आता है, लेकिन ये है कि इसको ये नहीं समझना चाहिए कि किस्मत हमारी बदल देगा, हमारी उम्र बढ़ा देगा, ये भी नहीं होना चाहिए। दो स्टोन है व्हिच आई फील दे आर वेरी ट्रिकी, एक फिरोजा और एक सैफायर। ये अगर सैफायर लगते जाए तो बहुत देर जाता है, भारी पड़े तो बहुत। अच्छा आप ही अच्छा बालों के साथ जी, मैं मदर के साथ बड़ी बात कर रहा हूँ, ये भी करते हैं पत्थरों का जी हाँ, कंटिन्यू करेंगे बात को जी हाँ। अच्छा फिरोजा, क्योंकि वो मरियम आप ही ने उसको स्पेसिफाई किया, मैंने बटू साहब के साथ बहुत अच्छा पत्थरों पे बिजनेस का काम किया है जी। होता क्या है कि देखना ये पता, जैसे रेस इंसान के अंदर जाती है ना पत्थर जी हाँ, एक बंदे को रेड सेल की कमी है या उसका लीवर फंक्शन सही काम नहीं कर रहा तो वो रूबी पहने। अच्छा। इसमें मादनी आता है, ठीक है। अब एक बंदे का खून गाढ़ा है जी, उसको अगर आप नीलम डाल देंगे तो वो उसको नुकसान देगा, ठीक है। रेज से मैं आपको बता दूं, अब कैल्शियम किसी पत्थर में कैल्शियम मैक्सिमम होती है, पर जैसे कि आप समझते हैं कि किसी का रेड सेल कम कर रहे हैं या लीवर फंक्शन है कोई, तो उसको जो कूद पहनना चाहिए, वैसे भी कुरान जी में जिक्र है उसके पहनने से उसकी जो उसमें मैक्सिमम आयरन है उसमें उससे डेवलप होता है फिजिकली। अब जैसे कि इसका खून गढ़ा तो उसको क्या पहनना चाहिए, कीक पहनना चाहिए, ओके जी। उसके एमरल पहनना चाहिए, ओपल पहनना चाहिए, ठीक है ना। जैसे उसको ठंडे पत्थर मतलब जिनसे खून पे जो चीजें जाए उसको असर करे, ये जैसे बताया सात पत्थर पड़ा, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत भी है, ये पत्थर कोई मामूली बात नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ आप किसी फिका का आदमी ले लें, अलसुनत और जुमाल ले लें, या कोई भी आलम दीन है, जैसे भट्टू साहब है हमारे मोहतरम है, इन्होंने ये मुरजान पहना हुआ, तो ये किसी को पठों का मसला है, मस्कस प्रॉब्लम है, ये जैसे फालज हो जाता है, तो ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि मैं अमेरिका में इतने शोज करता हूँ जाके पत्थरों के ऊपर, क्योंकि ये बॉडी की मुनासबत से सजेस्ट किया जाता है। जैसे ये नहीं कि आप ऐसे पहन, जैसे आप हाइपर हैं, आपका साइन आप आग है जी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको पत्थर वो पहनना चाहिए जो कि आपके खून को ठंडा रखे, अफरा तफरा लेकर। गिलानी साहब आपने बताया कि आप इंटरनेशनली भी पत्थरों का भी करते हैं, हाँ, exactly. हैं। तो क्या आपने रुझान देखा पाकिस्तान में लोगों का रुझान ज्यादा है इस साइड पे या इंटरनेशनली भी लोगों का ज्यादा रुझान? देखिए मैडम भी अमेरिका आती जाती है, ये भी समझती, मैं भी आता जाता रहता हूँ। गुजारिश ये है
वो तो हम तो तीन तरह से आप पत्थर पहन सकते हैं, जैसे बट्टू साहब इल्म उदास से बताते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ से मैडम बताती हैं, और वो तो बुरसे बारह ना साइन या स्टार, बारह भी पहनते हैं, हर महीने का एक पत्थर पहनते हैं, वो भी बहुत पहनते हैं ये नहीं, मगर हमारे लोग क्या मैक्सिमम जैसे मैडम ने फरमाया भी कि फरोजा तमाम हसन अलैहिस्सलाम तमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्बत है, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तो ये पहना उनकी सुन्नत है। जो लेकिन बाहर में ये होता है कि क्रिस्टल हीलिंग जो ये कह रहे हैं ना, जैसे अगर सिक्स सेंस डेवलप करनी है तो आप एमेथिस्ट का स्टोन थर्ड आई पे रखते हैं, फिर थ्रोट के लिए अलग होता है, दिस इज बकायदा क्रिस्टल थेरेपी। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे इनके मैं दोस्त हैं उधर मैडम अजीत सिंह इंडिया में, वो ओमनी चैनल में मेरे साथ, वो पता क्या वो तो पत्थरों का बकायदा उनका एक तरीके कार है, और जैसे कि पुखराज है वो फिजिकली कोई प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल, आप देखें अब जो ये रोटेटर्स हैं उसमें जो पत्थर लिखा है जेड का लगा हुआ, जी जी, तो जेड हीलिंग देता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी डिस्कशन इसी तरह से जारी रहेगी, बल्कि हिना भी तो हमें ये भी डिस्कस करना है कि हमारे जो डिफरेंट स्टार्स हैं तो अकॉर्डिंग टू स्टार जो है वो 2017 उस स्पेसिफिक सितारे के लिए, उस स्पेसिफिक स्टार के लिए कैसा रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगेन टाइम है छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम वंस अगेन बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं गिलानी साहब की, जिन्होंने हमें इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी, हमारे लिए टाइम निकाला। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रॉयल कैफे में एस्ट्रोलॉजी स्पेशल, और हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद।